आज भारत समेत दुनिया भर में इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जा रहा है। हरियाणा की बात करें तो प्रदेश भर में जगह जगह पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं अम्बाला में जिला प्रशासन और आयुष विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें गृह मंत्री अनिल विज पहुंचे। इस दौरान लगभग 500 से ज्यादा RPF जवानों ने स्कूली बच्चों और आम जनता को योग करवाया। कार्यक्रम में योग साधनों ने मंच के लोगों को विधियां बताते हुए योग करवाया गया। इस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी विधा योग को स्वीकार करते हुए पूरा विश्व आज योग दिवस को मना रहा है, जिसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में UNO में रखी थी। विज ने कहा कि योग तन और मन को साधने में मददगार साबित होता है। आज हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व का दिन है कि हिंदुस्तान की विधा योग सारा विश्व ने इसको स्वीकार किया है और 21 जून को सारा विश्व इस योगा दिवस को मनाता है। ये हर भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है और ऐसा मुमकिन हो पाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से, जिन्होंने 2014 में UNO में जाकर इसके बारे में वहाँ पर ये प्रस्ताव रखा। योग साधना को कहते हैं, तन और मन की साधना को। ये प्रतिरोधात्मक भी है और क्यूरेटिव भी है, दोनों तरह से ये योग लाभ देता है और मन को भी साधने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। वहीं हरियाणा में योग के प्रति लोगों को जागरूक कर इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर कहा गया कि हरियाणा में योग आयोग बनाया गया है। जल्द ही हरियाणा में योग सहायकों और कोचों की भर्ती की जाएगी। योग को योग लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाए, उसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। हमने योग आयोग बनाया है, एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बनाया है जो केवल योग के बढ़ावा के लिए ही काम करेगा। हम हर गांव में योगशाला बनाना चाह रहे हैं, जिसमें से 1000 गांव में बन चुकी है। हम योग सहायक और योग कोचों की भर्ती कर रहे हैं जो लोगों को जगह जगह पर जाके योग को सिखाएं। बता दें कि योग दिवस के इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में अनिल विज ने जनता के साथ सभी योगासन किए। कार्यक्रम में RPF के जवान, जिला विभागीय अधिकारी, स्कूली बच्चों व आम जनता ने भाग लिया। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।